जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना परिवार रघु क्लासेस प्रयागराज में। तो साथियों, हमारा जो चाल स्पीड और चाल जो है दूरी और समय की जो क्लासेस है, आज हमारी सातवीं क्लास होगी। पिछले छह कक्षाओं में हमने बहुत ही मोस्ट जो प्रश्न थे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आए थे, उनको हमने देखा है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट यूपी पुलिस असिस्टेंस ऑपरेटर की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज हम फिर एक नया टाइप, मतलब कहने का मतलब थोड़ा सा हटके करेंगे। यहाँ से भी आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न आते हैं और प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, आप प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हैं। तो आज हम सापेक्ष चाल पे बात करेंगे और क्या कहते हैं कि समान दिशा और विपरीत दिशा पर बात करेंगे कि जब कोई दो, मतलब दो वस्तु या दो कार या दो गाड़ी जब एक ही दिशा में जा रही हैं तो उसकी सापेक्ष चाल क्या होगी, जब वो विपरीत दिशा में आ रही हैं तब उनकी सापेक्ष चाल होगी। कुछ इस तरह के प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्रश्नों के माध्यम से इस टॉपिक को समझेंगे, जिससे कि आपको भी आसानी हो और मुझे भी आसानी हो। तो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर होगा, खुद से पढ़िएगा और खुद से कोशिश भी करिएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें इस प्रश्न से निकल कर आ रही, आपके सामने आ रही हैं, या क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। तो प्रश्न देखिए, आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि एक जीप है एक कार का पीछा कर रही है, मतलब जीप है आप पुलिस की जीप मान सकते हैं, एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है, यानी कि जीप और कार के जो बीच का डिफरेंट है बच्चे, वो है आपका 5 किलोमीटर। फिर कह रहा है कि उनकी चाल जो है क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जीप जो है कार को कितने मिनट के पश्चात पकड़ लेगी। कह रहा है कि जीप जो है कार को कितने मिनट पश्चात जो है पकड़ लेगी। कहने का मतलब ये कि जो जीप और जो कार का चलने का स्थान है बच्चे, वो सेम है, एक ही जगह से दोनों चलती हैं, एक जगह से नहीं चलती हैं, जीप और कार का जो दूरी है बीच में आपस में, वो 5 किलोमीटर दूरी पर खड़ी है। मान लीजिए एक यहाँ पे खड़ी है जीप, तो उसके 5 किलोमीटर आगे आप जो है कार खड़ी है, लेकिन जो चलने का टाइम है बच्चे वो सेम है, एक समय से चलती हैं। कार की स्पीड थोड़ा ज़्यादा है जबकि जीप की स्पीड थोड़ा सा कम है। तो इस जो दूरी का है, जो 5 किलोमीटर दूरी को, गैप को भरने के लिए जीप को कितना टाइम लगेगा, जब इस गैप को वो पूरा कर लेगा तो वह आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो कैसे करेंगे, कह रहा है कि जीप जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, जीप बच्चे जा रही है आपकी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद अगर हम कार की बात करें तो जा रही है आपकी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद अगर दूरी क्या है दोनों के बीच की, दूरी है बच्चे आपकी 5 किलोमीटर, क्या है बच्चे 5 किलोमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है जीप जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, जबकि आपका जो कार है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। अब आप ध्यान दीजिएगा, जब भी जीप, मान लीजिए ये है आपका जीप ये है आपका कार, इसके दूर की बीच की दूरी 5 किलोमीटर, बच्चे जब ये चलना स्टार्ट करेगी तब भी ये स्टार्ट करेगी। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जब ये चलना स्टार्ट करेगी तो ये चलना स्टार्ट करेगी, ये एक घंटे में जाएगी 90 किलोमीटर और एक घंटे में कार जाएगी 75 किलोमीटर, दूरी कितनी कवर हुई आपकी 15 किलोमीटर। तो बच्चे देख लीजिए, जो जीप की स्पीड है कितनी ज़्यादा है आपका, है 15 किलोमीटर ज़्यादा। कितना ज़्यादा है 15 किलोमीटर ज़्यादा, किसके संदर्भ में, कार के संदर्भ में, यानी कि कह सकते हैं कि जीप जो है कार से 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चल रही है। तो यहीं से निकलता है सापेक्ष, अगर सापेक्ष चाल मतलब VR से डिनोट करते हैं तो कैसे निकलेगा, जब समान दिशा जो है समान रहेगी, क्या समान रहेगी, दिशा जो है आपस में समान रहेगी चलने का, जैसे कि कार भी उसी दिशा में जा रही है जीप भी उसी दिशा में जा रही है, तो जो सापेक्ष चाल होगा वो होगा माइनस, यानी कि दोनों में जो चालों का अंतर होगा वही आपका सापेक्ष चाल होगा। जब दोनों विपरीत दिशा में सामने सामने आ रही हैं तो जो चालों का योग है वही, जो चालों का योग हो जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा बच्चे, सापेक्ष चाल। तो यहाँ से सापेक्ष चाल क्या निकलेगी, जीप जा रही है 90 माइनस कितने 75, यानी कि दिशा सेम है, यानी कि देख सकते हैं जीप भी इधर जा रही है कार भी इधर जा रही है, तो जो होगा सापेक्ष चाल क्या होगा, एक दूसरे का अंतर जो होगा वही हो जाएगा सापेक्ष चाल, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से आपका सापेक्ष चाल निकला है बच्चे, अब ध्यान दीजिएगा, अब दूरी क्या होगी, दूरी बच्चे 5 किलोमीटर, दोनों के बीच का जो गैप है बच्चे 5 किलोमीटर का ही है, जब इस 5 किलोमीटर, जब ये जीप है इससे 5 किलोमीटर ज़्यादा तय कर लेगा तो आपका जो हो जाएगा
दोनों आपस में मिल जाएंगे, यानी कि इस 5 किलोमीटर गैप को जब ये भर लेगा, यानी कि जी कौन भरेगा, जीप यानी कवर कर लेगा, तब आपका क्या हो जाएगा, दोनों आपस में मिल जाएंगी। तो जब ये 5 किलोमीटर की जो कवर है वो भरेगा किसके, इस स्पीड से वो भरेगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड से ही भर पाएगा, क्योंकि यही उससे ज़्यादा है। बाकी 75 और इसका जो 75 किलोमीटर है और इसका जो 75, ये दोनों सेम हो जाएंगे। जो एक्स्ट्रा चाल है यानी कि जो उसकी स्पीड जितनी ज़्यादा है उसी स्पीड से इस 5 मीटर गैप को भरेगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो सापेक्ष चाल बराबर क्या हो जाता है बच्चे, सापेक्ष चाल बराबर हो जाएगा दूरी, दूरी बटे क्या हो जाएगा बच्चे, समय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ से दूरी क्या आपकी सापेक्ष चाल यहाँ से निकली है 15, दूरी आपकी आपको क्या है, दूरी आपकी 5 किलोमीटर, समय आपसे पूछा है, समय को हम लोग टी मान ले, तो टी बराबर हो जाएगा 15/5/15, ये आ जाएगा घंटा, आपसे मिनट पूछा है, गुड़े 60, 15 15 चौको 60, 5 चौको 20, यानी कि क्या हो जाएगा बच्चे 20 मिनट। आप कह सकते हैं कि जो इसकी जो दूरी होगी 20 मिनट उसे टाइम लगेगा इस 5 किलोमीटर को कवर करने में, जब 5 किलोमीटर को कवर कर लेगा तो जो है आपस में वो बराबर हो जाएंगे, या कह सकते हैं कि 20 मिनट पश्चात जो है कार को जीप पकड़ लेगा। तो इस तरह के प्रश्न जब भी आपको दिखेंगे एग्जामिनेशन में तो ऐसे ही करना रहता है। जब आप आमने सामने आ रही हो मतलब चालों की दिशा जो है विपरीत है, तो जब VR निकालेंगे, सापेक्ष चाल निकालेंगे, तो क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा। जब एक ही दिशा रहेगी तो क्या होगा, चाल जो है, चालों का जो अंतर होगा वही आपकी सापेक्ष चाल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो रहा है। तो अगला प्रश्न बच्चे सेम इसी तरीके से है, आप लोग करने का प्रयास करें। देखिए क्या करा कि एक चोर को एक पुलिसकर्मी 150 मीटर की दूरी से रोक लेता है। जब पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू करता है, यह मानते हुए कि चोर की गति जो है 7 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की गति जो बच्चे हैं वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पुलिसकर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचकर उसे पकड़ने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, कितनी है चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो बच्चे इसमें क्या दिया है, इसमें दे रखा है आपका पुलिस आपका कितना है बच्चे 9 km/h। अगर हम चोर की बात करें तो बच्चे चोर दिया है आपका 7 km/h। अगर हम दूरी की बात करें तो आपका दूरी जो है बच्चे, दूरी दिया है आपका 150 मीटर, यानी कि जो दोनों के बीच का अंतर है वो आपका 150 मीटर, इसी अंतर को कवर करेगा पुलिस। तो VR जो आपका सापेक्ष चाल बच्चे, सापेक्ष चाल क्या होगा, दूरी जो 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 दिशा है सब आपका क्या है, समान है, इसलिए हो जाएगा माइनस, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं बच्चे कि पुलिस की स्पीड जो है 2 किलोमीटर ज़्यादा है, यही उसकी सापेक्ष चाल होगी, इसी चाल से जो है इस 150 मीटर दूरी को कवर करेगा। तो बच्चे समय हम जान सकते हैं, तो आपका समय क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा VR बटे डिस्टेंस यानी कि दूरी। तो VR आपका कितना है बच्चे, 2 है, डिस्टेंस आपका है 150, कितना है बच्चे आपका है 150। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर बच्चे हो जाएगा दूरी बटे चाल, क्या हो जाएगा डी बटे वी आ जाएगा। तो डी आपकी दिया 150 मीटर दिया है, अगर ए इंटू 10^-3 कर देंगे तो किलोमीटर हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा आपका 2 किलोमीटर, क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हो जाएगा आपका 75×10^3 घंटे हो जाएगा, क्या हो जाएगा घंटे हो जाएगा। ये आपका गया बच्चे समय। क्या पूछ रहा है कि पुलिसकर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचकर उसे पकड़ने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी, तो चोर कितनी दूरी तय करेगा बच्चे। तो चोर अगर टोटल दूरी, चोर की स्पीड है 7, तो इतने घंटे में पकड़ेगा यानी कि 75×10^3, तो आपकी क्या हो जाएगी चोर द्वारा तय की गई दूरी, चोर द्वारा तय दूरी क्या हो जाएगा, तो दूरी बराबर होता है बच्चे चाल गुणे समय हो जाएगा, चाल गुड़े समय। तो बच्चे चाल आपका दिया है चोर 7 से जाता है, 75×10^3 ये आपका किलोमीटर है, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा,
क्या हो जाएगा किलोमीटर, इसे 10^3 से अगर हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका मीटर, क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा, इससे कट जाएगा बराबर, क्या हो जाएगा आपका 7×5 = 37, 49 + 3 = 52 यानी 525 मीटर, क्या हो जाएगा बच्चे 525 मीटर, यानी कि चोर जो है बच्चे चलेगा 525 मीटर, और पुलिस कितना चलेगा, पुलिस चलेगा 525, तो चोर के पीछे ही चलेगा प्लस 150 और पुलिस चलेगा, क्योंकि पुलिस जो है 150 मीटर पीछे है, अगर पुलिस की दूरी पूछता तो 150 मीटर इसमें और ऐड हो जाता, 525 मीटर जो है चोर आपका चलेगा। कैसे निकाला, हमने समय निकाल लिया कि कितना, 75×10^-3 घंटे समय यहाँ से निकल गया, चोर द्वारा तय की गई दूरी तो 4×, समय होता है 4×7 दिया, समय 75×10^-3, ये आपका समय आता है किलोमीटर में, जब मीटर में बदलते हैं तो 10^3 से गुणा कर देते हैं तो आपस में क्या आ जाएगा 525 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बच्चे डी हो जाएगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो आपको जब भी आपको इस प्रकार के सवाल दिखें तो ऐसे ही आपसे हल होंगे। तो चले फिर अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं कि क्या कह रहा है, कह रहा है कि अरुण और भास्कर जो है देखिए बच्चे क्या कह रहा है, कह रहा है अरुण और भास्कर एक स्थान पी से क्रमशः 6:30 और 7:30 चलते हैं और एक ही दिशा में दौड़ते हैं। अब एक ही दिशा से मतलब ये हो कि जिनकी उनकी सापेक्ष चाल की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपस में दोनों का जो हो जाएगा अंतर वही होगा आपका सापेक्ष चाल। अरुण और भास्कर क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं, तो भास्कर किस समय अरुण से आगे निकलता है, कह रहा है कि भास्कर किस समय अरुण से आगे निकलता है, या ये भी कह सकते हैं कि भास्कर और अरुण किस समय आपस में मिलते हैं, जब मिलेंगे तो जस्ट तुरंत तो आगे निकलेगा। तो कह रहा है अरुण और भास्कर, देखिए इस तरह का सवाल आप कई दो तरीके से लेगा, एक तो पहली चीज़ इसमें आपको ये देखने को मिल रही है कि दूरी जो है समान है बच्चे, क्या होगा दूरी जो है दोनों समान चलेंगे, बस क्या है टाइम का थोड़ा सा डिफरेंट होगा, एक पहले जा रहा है एक बाद में जा रहा है, जब दूरी समान होगी तो हम लोग क्या लगाएंगे V1 T1 = V2 T2 भी लगा सकते हैं, हमने पिछले 6 कक्षाओं से चर्चा करते हैं कि दूरी जब भी समान होगी तो हम लोग V1 T1 = V2 T2 से भी बात कर सकते हैं। और एक तरीका तो आपका ये हो जाएगा, कैसे होगा, कह रहा है क्या पूछा है आपसे कि भास्कर किस समय अरुण से आगे निकलता है, तो मानते हैं जो आपका अरुण है वो टी समय बाद जो है मान लेते हैं भास्कर जो है टी समय बाद जो है अरुण से आगे निकल जाता है, क्या है अरुण से आगे निकलता है मानते हैं भास्कर, माना भास्कर कितना टी समय लगा रहा है, यानी कि भास्कर जो है बच्चे वो टी समय में जो है अरुण से आगे निकल जाएगा, जब भास्कर टी समय दूरी तय करेगा तो अरुण कितना करेगा, क्योंकि अरुण पहले शुरू करता है तो अरुण करेगा T+1.5, तो अरुण कितना हो जाएगा बच्चे, अरुण कितना हो जाएगा, क्योंकि भास्कर जो है 7:30 चलता है जबकि अरुण बच्चे है वो चलता है 6:00, यानी कि 1.5 घंटा पहले चलता है अरुण, जब भास्कर टी समय लगाता है टी समय बाद पार करता है तो अरुण चलेगा आपका T+3/2 3/2 या कह सकते हैं 1.5, क्योंकि वो 1.5 घंटा पहले चलता है, इससे 1.5 घंटा ज़्यादा चलेगा, किससे भास्कर से अरुण कितना चलेगा अरुण, क्योंकि वो 6:00 निकलता है अरुण जबकि भास्कर जो है आपका निकलता है 7:30। अब आपका यहाँ से देखिए तो भास्कर किससे चलता है, अगर भास्कर क्या किससे चला, अगर V1 मान लें तो भास्कर की स्पीड जो है बच्चे वो है आपकी 12, क्या है बच्चे वो है 12, अगर हम इसको V2 मान लें तो इसकी स्पीड है आपकी 8 है, तो यहाँ से आप लगा सकते हैं V1 T1 = V2 T2, क्यों हो जाएगा बच्चे, क्योंकि ये हो जाएगा इसलिए क्योंकि दूरी जो है बच्चे आपस में होंगी समान, तो V1 = आपका हो जाएगा 12, T हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, T+ हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/2, आंसर हल करेंगे आंसर आपके सामने होगा, 12T बच्चे 8T+ क्या हो जाएगा चलती है 12, क्या हो जाएगा 12, तो 4T = हो जाएगा आपका 12T = हो जाएगा 3 घंटे, क्या हो जाएगा 3 घंटे, यानी कि बच्चे भास्कर जो है उसे 3 घंटे बाद क्या है उससे आगे निकल जाता है अपने चलने वाले समय से, तो टोटल समय जो हो जाएगा भास्कर निकलता है समय में तो कुल समय, तो समय आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7:30 भास्कर चलता है प्लस हो जाएगा 3 घंटे, 7 × 3 = 10, यानी कि बच्चे 10 बजकर
30 घंटे 10:30 पर जो बच्चे आपका हो जाएगा 10:30 यानी प्रातः 10:30 आपका क्या हो जाएगा, भास्कर जो है अरुण को क्रॉस कर जाएगा। एक तरीका तो आपका ये हो गया है, क्या आपको कुछ नहीं करना है। दूरी जब भी समान हो तो आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, V1 T1 और बराबर V2 T2 अनुपात विधि से भी इसको हल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, भास्कर मानते हैं टी समय बाद वो पकड़ रहा है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न में ही दिया है कि भास्कर जो है चलता है 7:30 जबकि अरुण चलता है 6:00, यानी कि दोनों बीच का जो अंतर है टाइम का 1.5 घंटा पहले, यानी भास्कर 1.5 घंटे बाद निकलता है अरुण की सापेक्ष। तो भास्कर टी समय लगाता है तो अरुण लगाएगा T+1.5 3/2, क्योंकि 1.5 घंटे बाद निकलता है, इसलिए यहाँ से आप लगा सकते हैं। ऑप्शन जो है आपका 10:30 जो है क्या होता है, प्रातः 10:30 जो है एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो एक तरीका ये होगा। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका वही होगा जो हमने अभी पीछे किया था। क्या करेंगे, सापेक्ष चाल निकालेंगे, समय का अंतर देखेंगे। बच्चे इसमें क्या दिया है, भास्कर की चाल जो है आपकी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या है आपकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, अरुण की क्या है आपकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चे अरुण जो है चलता है पहले, किससे पहले चलता है, भास्कर से, यानी कि अरुण चलता है 6:00, भास्कर चलता है 7:30, तो 1.5 घंटा जो अरुण चला कितनी दूरी चला, तो अरुण द्वारा 1.5 घंटे में तय दूरी, अरुण द्वारा 1.5 घंटे तो देखो दूरी बराबर क्या होता है, 4 × समय, यानी कि 8 चला कितना चला 1.5, यानी कि क्या हो जाएगी आपकी 12 किलोमीटर। अब बच्चे क्या आप देखिए, आपसे यहाँ से दूरी आपको प्राप्त हो गई। आपका अगर VR की बात करेंगे तो VR क्या निकल जाएगा बच्चे, सापेक्ष दूरी आपकी 12 - 8, क्योंकि दिशा जो है दोनों की समान है, तो बचेगा कितना आपका 4 km/h। अब क्या निकल लेंगे, समय निकाल लेंगे, समय बराबर होता है दूरी बटे हो जाएगा सापेक्ष चाल। क्या हो जाएगा बच्चे, सापेक्ष चाल, वैल्यू को पुट करेंगे, दूरी आपकी 12 किलोमीटर बटे, यानी कि हो जाएगा आपका समय 3 घंटे। क्या हो जाएगा, 3 घंटे, यानी कि जो भास्कर है बच्चे वो 3 घंटे बाद अरुण को पकड़ लेगा। कितने बाद, 3 घंटे बाद अरुण को पकड़ लेगा 3 घंटे बाद। तो भास्कर द्वारा तो दूरी जो आपकी हो जाएगी, दूरी आपसे पूछे समय पूछे, तो समय पूछा, तो समय जो हो जाएगा आपका, भास्कर पकड़ता है 3 घंटे बाद, तो भास्कर चलता है 7:30 प्लस हो जाएगा आपका 3 घंटे, तो आपका हो जाएगा 10:30, यानी कि 10:30 पे आपका जो है भास्कर पकड़ लेगा। तो ऐसे इससे भी हल हो जाएगा, उससे भी हल हो जाएगा, आपको जो आसान लगे उससे हल कर सकते हैं। तो बच्चे आज चले अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सेम कॉपी टू पेस्ट है, आप लोग इसे कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। यदि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी तो आप भी आसानी से उसे भी कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि राम ने अपनी यात्रा 9:00 दिन में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभ की। हमीद उसी स्थान से उसी दिशा में, उसी स्थान से उसी दिशा में 9:30 दिन में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हमीद को पा लेता है। तो कितने बजे पा लेता है, आपसे समय पूछा है कि कितने बजे पा लेता है। तो सेम उसी तरीके से कह रहा है कि 9:00 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभ करता है, हमीद उसी स्थान से उसी दिशा में 9:30 दिन में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। यानी कि आप कह सकते हैं यदि हमीद को अगर 30 मिनट लगता है या 30 घंटे लगता है, तो जो है भास्कर हमीद और राम को कितना टाइम लगेगा। माना हमीद, हमीद 30 समय बाद पकड़ लेता है, हमीद जब उसे 30 समय बाद पकड़ लेगा तो राम को कितना समय लगेगा बच्चे। तो राम निकलता है 9:00 और हमीद निकलता है 9:30, तो दोनों के जो बीच का जो टाइम का अंतर है बच्चे वो कितना है, 1/2 घंटे। यानी कि राम जो है 1/2 घंटे पहले चालू करता है, तो राम का जो समय लगेगा T+ हाफ लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि हमीद जो है 1/2 घंटे बाद निकलता है, या उसे हम टी समय मानते हैं, तो राम को मान लेंगे T½। क्या मान लेंगे, T+ हाफ, यानी कि T+ 1/2 घंटा या हाफ कर सकते हैं। अगर इसको T1 माने तो V1 बराबर आपका दिया है 10 km/h, क्या दिया है आपका 10 km/h। अगर V2 की बात करें तो V2 आपका दिया है बच्चे कितना दिया है, 8 km/h,
तो बच्चे जब भी दूरी समान होती है तो इस केस में हम लोग क्या करते थे, दूरी समान है तो आप कर सकते हैं V1 T1 बराबर V2 T2। तो आराम से हल कर लीजिए, बट V1 बराबर आपका 10 है, 10T बराबर आपका V2 बराबर है 8, T प्लस हो जाएगा आपका हाफ हो जाएगा। तो 10T बराबर 8T प्लस हो जाएगा ये 4, 2T बराबर 4, T बराबर आपका हो जाएगा 2 घंटे। यानी कि आप कह सकते हैं बच्चे, क्या कह सकते हैं कि 2 घंटे बाद जो है हमीद राम को पकड़ लेगा। तो आपका जो समय लग जाएगा, क्या लग जाएगा बच्चे, समय लग जाएगा आपका, हमीद निकलता है 9:30 बजे, यानी कि 9:30 AM पर, प्लस हो जाएगा आपका 2 घंटे, बराबर आप कर सकते हैं 9:11:30 AM, यानी कि कह सकते हैं प्रातः 11:30 बजे हमीद जो है राम को पकड़ लेगा। कितने बजे, 11:30 बजे पकड़ लेगा। ऑप्शन नंबर जो आपका बच्चे बी हो जाएगा, डी जो हो जाएगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके प्रश्न हल होंगे। इसका दूसरा तरीका क्या होगा, तो दूसरा तरीका वही होगा जो हमने पहले बताया था। देख लेते हैं इसका दूसरा तरीका क्या हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका बच्चे क्या हो सकता है, कह रहा है कि जो आपका चाल दिया है कितना दिया है, 10 दिया है और 8। अगर हम सापेक्ष चाल की बात करें, VR की बात करें, तो हमीद 10 से जा रहा है और वो जा रहा है 8 से, यानी कि दूरी जो आपका दिशा जो है चाल की वो समान है। तो V सापेक्ष चाल आपकी क्या हो जाएगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या हो जाएगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे क्या पूछा, अगर दूरी की बात करें तो दूरी कैसे निकलेगी, दूरी क्या निकलेगी। देखो राम जो है पहले चला 9 बजे चल रहा है और जो है हमीद है वो चल रहा है 9:30 बजे, यानी कि दोनों आधे घंटे में जो राम द्वारा तय की गई दूरी होगी वही इन दोनों के बीच का गैप होगा। तो दूरी क्या हो जाएगी, तो राम की चाल है आपकी 8, 8/2 घंटा, यानी कि हाफ हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगी बच्चे, 4 किलोमीटर। कैसे हो जाएगी, क्योंकि राम की चाल है 8 किलोमीटर, वो आधा घंटे में कितना तय करेगा, 4 किलोमीटर। तो जब 4 किलोमीटर तय करेगा तो आप यहाँ से समय निकाल सकते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि डी बटे हो जाएगा आपका वी आर, क्या हो जाएगा वी आर। तो डी आपकी बात करें तो डी आपको दिया है 4 किलोमीटर, यानी कि 2, यानी कि क्या हो जाएगा बच्चे, 2 घंटे। समय जो लग रहा है बच्चे 2 घंटे हम पकड़ने में, हमीद को कितना समय लग रहा है 2 घंटे में पकड़ने में, तो एक्चुअल टाइम जो हो जाएगा आपका, समय क्या होगा आपका, यानी कि 7:30 AM पर चलता है प्रातः, प्लस हो जाएगा आपका 2 घंटे, तो बराबर हो जाएगा आपका, अबे 9 बजे चलता है, कितना, 9:30 पे चलता है तो हो जाएगा आपका 9:11:30 AM, यानी कि प्रातः आप कह सकते हैं 11:30 बजे हमीद जो है वो राम को पकड़ लेगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट होगा। तो बच्चे ये रहे कुछ प्रश्न जो आपके सापेक्ष चाल और समान दिशा पर आधारित थे। कल की क्लास में हम करेंगे सापेक्ष चाल और विपरीत दिशा में, जब दोनों साधन या दोनों टैक्सी या दोनों व्हीकल्स एक विपरीत दिशा में आएंगी तो उस केस में सापेक्ष चाल आपका कैसे निकलेगा, उस केस में आपके जो प्रश्न होंगे वो कैसे हल होंगे। तब तक के लिए आप किसी भी राइटर की बुक से प्रैक्टिस करिएगा, सारे क्वेश्चंस आप बना पाएंगे, आसानी से बना पाएंगे यदि आपको समझ में आ गया होगा। तो नहीं समझ में आया होगा तब भी आप हमें बता सकते हैं कि सर ये चीज़ें हमको समझ में नहीं आई हैं। तो थैंक यू क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।